पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा के डींगरपुर रोड पर नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई मार्केट को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि नोटिस दिए जाने के बाद भी भवन स्वामी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और जबरन तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया, जिसको लेकर आज ही कार्रवाई की गई। इस दौरान भवन निर्माण से पूर्व मानचित्र की स्वीकृति करा लेने की भी अपील की गई। डींगरपुर रोड पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासनिक अमला देख लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। उधर राहगीरों के साथ आसपास के स्थानीय लोग भी जमा होने शुरू हो गए। इतनी फोर्स और सरकारी गाड़ियां देखकर लोग भौचक्के रह गए। बताते चले कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग को, अवैध निर्माण को चिन्हित कर समय समय पर कार्रवाई की जाती रहती है। उसी क्रम में डींगरपुर रोड पर हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराया गया। फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को देखने के बाद लोगों को लग रहा था कि आज तो पागबड़ा में जहां जहां अवैध प्लॉटिंग और निर्माण चल रहा है वहां कार्रवाई होकर ही रहेगी। डींगरपुर रोड पे पागबड़ा है, वहां पर मिस्टर अयूब हुई है। उन्होंने 400 स्क्वायर मीटर पे बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर इलीगल कवर कर लिया था, जिसका मैप पास नहीं था, उनको नोटिस दिया गया और उनका डिमोलिशन ऑर्डर सुनवाई करके 2 फरवरी को किया गया था। उसके अगेंस्ट ना तो वो अपील में गए, ना डिवीजन में गए, ना कोई उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस कारण से उसका आज एग्जीक्यूशन किया गया है और उनका जो बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त कराया। आम जन से क्या अपील है? आम जन से अपील है, बार बार वही अपील मैं करता हूँ, सबसे अनुरोध है कि जो भी आप निर्माण करें उसका नक्शा जरूर पास करें, प्राधिकरण से नक्शा पास करा लें और भूमि क्रय करने से पहले उसका लैंड यूज जरूर हो। लैंड यूज जो आप चाहते हैं फेवरेबल, वही लैंड यूज है या नहीं है और वो सैंक्शन लेआउट का प्लाट है कि जरूर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।